जय हिंद मेरे प्यारे सभी भाइयों को, मैं नवीन नाम से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बीएससी मैथमेटिक्स में। दोस्तों आज जो मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आया हूं, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 16 नंबर का पूछा जाता है और डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। और कल मैंने इसका बेसिक कंसेप्ट बताया था, आज मैं इसके साथ एक क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में आने का 100% चांस है और 2019 में जिनका भी एग्जाम है इनके लिए VVI क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं क्वेश्चन का सलूशन क्या होगा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें क्योंकि इस चैनल पर आपको BSc से रिलेटेड ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। हम लोग कल जो क्वेश्चन किए थे इसके ही टाइप पर ये क्वेश्चन आपको 2016 में पूछा गया है, ए और बी। इसमें चार क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से आपको दो क्वेश्चन का जवाब देना रहता है और 16 नंबर का पूछा जाता है। तो हम लोग एक टाइप से अभी चल रहे हैं तो एक ही टाइप को लेकर चलेंगे। सबसे पहले आज मैं ये क्वेश्चन आपको कराऊँगा और कल मैं ये क्वेश्चन आपको कराऊँगा। ये 2016 का है, 2017-18 मतलब अब जो पिछले साल पूछा गया है पिछले साल मैं सब क्वेश्चन आपको कराऊँगा टाइप बाई टाइप। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन दे रखा है y बराबर ए पी एक्स प्लस बी पी क्यू बराबर पी बराबर डी वाई बाई डी एक्स। मतलब इसका मतलब यह है कि अगर हम जहां भी देखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इसका मान हम पी रख देंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन में लिखेंगे वी है, एक बार क्वेश्चन को उतार दिए हैं। इसका आपको हमको फॉर्म में लाना है तो इसलिए क्या करना है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब इसका डिफरेंशिएशन कर देना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इसका, और इसके बाद ए को बाहर निकाल देंगे, इसके बाद कॉन्स्टेंट वाले को बाहर निकाल देंगे, इसका पी को पी मतलब पी को बाहर निकाल के एक्स का करेंगे तो पी एस पी हो गया, और एक्स का करेंगे तो वन हो जाएगा। तो वन लिखे आने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका एक्स वाले टर्म को बाहर निकाल देंगे इसी ना, इसका पी को हम एक्स के टर्म में अति कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, इतना आ गया। इसके बाद बी को भी हम यहाँ से बाहर निकाल देंगे, बी को बाहर निकाल लेंगे। अब इसके बाद इसको फॉर्मूला में तोड़ देंगे, पी के क्या हो जाता है जैसे एक से पावर रहता है थ्री, तो इसको क्या करते हैं थ्री एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या है पी है, पी पर पावर क्यू है, तो क्या करेंगे थ्री पी स्क्वायर और डी पी बाई डी एक्स। इतना तो कम आ ही गया, बहुत ईजी है। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमको आपको बताया गया था क्वेश्चन में कि इतना का मान हम देखेंगे जहाँ पी रख देंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद बारी बारी सब में मल्टीप्लाई करना है ए से दोनों में और बी से भी दोनों में। इतना करने के बाद ये वाले टर्म को जहाँ देखिए ई वाला टर्म पी है, इसमें पी है तो बराबर टू साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर चल गया इसका, ये चल गया इसका, सीधे इसको ले दिए ये लिख दिए सेम टू सेम। इसके बाद आपको इसमें से पी कॉमन लेना है, पी कॉमन लेने पर इतना हो जाएगा। इसमें से आपको क्या कॉमन लेना है, दोनों में कॉमन क्या है डी पी बाई डी एक्स, या दोनों में कॉमन ले ले डी पी बाई डी एक्स, इतना लिख दिया। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, जो एक्स वाला है ना एक्स वाला टर्म डिवाइड में है बराबर कुछ सक जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा आपका गुना में मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इतना लिख दिए। इतना करने के बाद आपको डी एक्स बाई डी पी निकाल देना है। अब तो डी एक्स पहले से यहाँ पर है ही और डी पी वाले टर्म को हमको यहाँ पर लिख देना है, और ये जितना है प्लस का है गुना में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में हो गया। इसके बाद आपको बारी बारी से तोड़ देना है, ए बटा जैसे है ना ए एक्स में भी इतना से डिवाइड करना है, और थ्री बी पी स्क्वायर में भी पी इंटू वन माइनस ए से भी डिवाइड करना है। इतना करने के बाद इस फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले ये वाला टर्म को इस साइड मतलब क्या है प्लस में है, इस साइड भेजें तो माइनस हो गया क्योंकि इस तरह का फॉर्म लाना है, तो इस तरह के यहाँ पर भेज दिए। और क्यू का मान ये हो गया और पी का मान क्या होगा, पी का मान हो गया जो इसमें एक्स को छोड़कर एक्स को बाकी जितना है ये आपका इसमें होगा, जो मैंने कल आपको वीडियो बताया था सेम टू सेम इसी पर है। अगर आपने नहीं देखे तो जाके देख लीजिए ताकि आपको कंसेप्ट और अच्छा से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर पी क्यू का दोनों का मान लिख चुके हैं। लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसका आपको आई एफ निकालना है। आई एफ का फॉर्मूला क्या होता है, ई पे पावर पी डी पी। तो इसका पी का जो मान है, पी का मान यहाँ पर रख देंगे माइनस, इसमें है ऑलरेडी माइनस को बाहर निकाल दिए, ए को यहाँ पर रख दिए और इस सेम टू सेम इसको लिख दिए, ठीक है। इसका इतना करने के बाद जो कॉन्स्टेंट टर्म है इसको बाहर निकाल लेंगे। इनमें कॉन्स्टेंट टर्म क्या क्या है, पी तो आपका कॉन्स्टेंट नहीं है, ए बटा वन माइनस ए कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिए और पी को ये लग पी को यहाँ पर रहने दिए। इतना करने के बाद आपको कुछ इस तरह प्राप्त होगा, जैसे देख सकते माइनस यहाँ पर लगा हुआ है, इसके बाद इसका हो जाएगा आपका लॉग पी लिख दिए, ई पे पावर यहाँ पर हो जाएगा आपका, जैसे इसको भी इस तरह लिखा जा सकता है, लॉग पी को आगे लिख सकते हैं और इसको यहाँ लिखा जा सकता है। और हमको क्या करना है, ये जो माइनस है ना माइनस को हमको हटाना है, तो माइनस को कैसे हटाएंगे,
पहले से 1 माइनस ए है ये वाला, इसको सिर्फ हम चेंज कर देते हैं ए माइनस 1, तो आगे माइनस लग के इसको प्लस कर देगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ए माइनस 1 लिख दिए माइनस को हटाने के लिए। ठीक है, इतना निकलने के बाद हम क्या करते हैं इसके बाद, सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, इसके बाद इतना निकालते हैं एक्स गुने आई एफ, इसके बाद इंटीग्रेशन का क्यू सब का मान धके बनाते हैं, तो एक्स का मान धर दिए, आई एफ का जो मान निकला इसको धर दिए, क्यू का मान रख दिए यहाँ पर, आई एफ का जो मान निकला है ये वाला यहाँ पर लिख दिए, और इसके बाद यहाँ पर डी पी भाई इतना लिख दिए, सी लिख दिए। इतना करने के बाद इसको तो सबसे पहले आपको सिंपल उतार देना है, इसमें जो कॉन्स्टेंट टर्म है इसमें कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर निकालना है, तो यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म क्या है 3b और a माइनस 1 कॉन्स्टेंट टर्म है माइनस, इसके बाद आपका यहाँ पर हो गया p बच गया, p पावर 1 है यहाँ पर, इसका p बच गया यहाँ पर p, और इसके बाद a बटा a माइनस 1, ये पावर में है, p के पावर में है a बटा a माइनस 1, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर p के पावर 1 है, यहाँ पर गुणे हैं गुना है, इसके बाद p के पावर a पर पावर है बटा a माइनस 1। ठीक है, तो इसका हमको अथिन निकाल लेना, क्या एलसीएम निकाल लेना होगा, तो क्या बचा है यहाँ पर बचेगा 1 प्लस a बटा a माइनस 1, इसका एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले आपका हो जाएगा यहाँ पर a माइनस 1 प्लस a, तो यहाँ पर लिख दिया, और नीचे में जो ये है यहाँ पर लिख दिए, जैसे पावर वाला है ना, इस पर पावर 1 है, इस पर पावर इतना है, ये एलसीएम लेके यहाँ पर लिख दिए। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, जैसा कि इतना तो यहाँ पर सिंपल उतार देंगे, इतना को भी सिंपल उतार देंगे, इसके बाद इसको जो जोड़ने वाला है ए जोड़ेंगे 2a माइनस 1 पी माइनस 1, इतना सीधे लिख दिए इतना पर। ठीक है, इसके बाद क्या करना है हमको, इतना लिखने के बाद हम जानते हैं फॉर्मूला जानते हैं, इंटीग्रेशन में होता है एक्स पावर एन होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स पावर एन प्लस 1 और नीचे भी एन प्लस 1, तो इसको तो क्वेश्चन को तो बाहर है ही, इसका भी इतना को तोड़ेंगे तो इसके फॉर्म लिख देंगे, इसके फॉर्म में तो पी और एन का काम क्या करेगा, हमको हमारा इतना काम करेगा 2a माइनस 1 बटा a माइनस 1, इतना लिख दिए, और प्लस 1 फार्मूला में तो 1 प्लस में लिख दिए, और इतना को नीचा लिख दिए क्योंकि फार्मूला में n प्लस 1 है। ठीक है, बहुत ही आसान है, ये आपको इजी समझ में आ जाएगा। इसके बाद इसको सिंपल यहाँ पर उतार दिए, सिंपल उतार दिए, इसको भी उतार दिए, इसके बाद आपको इतना करने के बाद इसका एलसीएम नीचे वाला एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद आपको कुछ इस तरह कट जाएगा यहाँ पर, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको ये तो सिंपल यहाँ पर लिखा ही कहीं, इसके बाद ये तो माइनस इतना उतार ही लिखेंगे ही, थोड़ा इसको अब सेटल कर देना है सेट, तो यहाँ पर देखिए 2a और a कितना हो जाएगा 3a, और माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद इसका यहाँ पर देखिए 2a में से a घटेगा तो कितना होगा a होगा, और 1 माइनस 1 माइनस 1 2 हो जाएगा प्लस c, क्वेश्चन जोड़ देते हैं। बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और सपोर्ट करें, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ला सकूं, और कल मैं आपको 2017 और 2016 मतलब 2013 2012 जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको मैं कराता रहूँगा, सिर्फ आपको लाइक करने की जरूरत है और कमेंट करने की जरूरत है, ताकि मैं आपके लिए वीडियो डाल सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।